ललितपुर उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के थाना पाली से एक सनसनीखेज खबर निकल कर सामने आई है, जहां थाना अध्यक्ष पाली को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में पुलिस अधीक्षक ललितपुर निखिल पाठक द्वारा सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन मौके से फरार हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आज से कुछ दिन पूर्व थाना पाली में चार लड़कों द्वारा एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म के बाद लड़के नाबालिग लड़की को पाली छोड़कर चले गए। नाबालिग लड़की ने आप बीती अपने परिजनों को सुनाई थी तथा एक एनजीओ को भी इसकी जानकारी दी गई। आरोप लगाया जा रहा है कि जब पीड़ित लड़की के परिजन शिकायत लेकर थाना पाली पहुंचे तो वहां पीड़ित लड़की के साथ थाना अध्यक्ष पाली ने भी दुष्कर्म किया। यह मामला पुलिस अधीक्षक ललितपुर के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से थाना अध्यक्ष पाली को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं चारों ओर आरोपित लड़कों की तलाशी की जा रही है। डीआईजी झांसी भी मौके पर पहुंचे, थाना पाली में जिसका निरीक्षण किया और थाना पाली इंचार्ज तिलकधारी सरोज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मौके से फरार चल रहे थाना प्रभारी तिलकधारी सरोज को पुलिस ने अभी तक पकड़ने में असमर्थ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन। कल एक बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल चार लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में FIR पंजीकृत की गई है। कुछ 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है, इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को हराया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी तरह की बातें बताई थी कि उसका क्या घटना घटित हुई। तो चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे वही उस बच्ची को यहाँ लाए थे, उन्होंने पूरी बात जो है उनको बताई और हमारे संज्ञान बताने के बाद इसमें तत्काल कार्रवाई की गई थी।